अदिति आजकल मतलब तो ना बहुत थकावट सी रहती है। मैं सोच रहा हूँ ब्लड टेस्ट करा लूँ। कोई मतलब है क्या, मतलब कोई टेस्ट होता है क्या, ब्लड टेस्ट होता है क्या इसके लिए? पता नहीं यार, लेकिन कराना तो हमें भी है। एक वो टेस्ट होता है ना जिससे पता चल जाता है कि बॉडी में किस चीज़ की कमी है। अरे हाँ यार, ये डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि ऐसा कोई एक टेस्ट होता है ना जिससे सब पता चल जाता है कि आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं। कौन सा टेस्ट होता है? पता नहीं। इनकी तरह अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से टेस्ट हैं जो आपके सेहत के सारे राज खोलते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। आज सेहत पर डॉक्टर से जानेंगे उन 5 टेस्ट के बारे में जो आपको ज़रूर करवाने चाहिए। डॉक्टर साहब ये भी बताएंगे कि ये टेस्ट साल में कितनी बार करवाने चाहिए, ये कैसे किए जाते हैं और इनमें कितना खर्चा आता है। सुनिए। Brought to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और टूथ का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तू ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। उसमें अपन CBC करा सकते, LFT, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल 2D को। CBC क्यों कराना है आपने को? CBC से ये मालूम पड़ेगा कि अपने बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, खून का लेवल कितना है। LFT इसलिए कराना है कि अपना लीवर कैसा है, लीवर का फंक्शन सही है नहीं है, उसमें कुछ कम ज़्यादा है, वो देखने के लिए LFT कराते हैं। उसके बाद HbA1c इसलिए कराते हैं, HbA1c देखना जरूरी रहता है कि पेशेंट डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, ऑलरेडी डायबिटिक है, तो उसका कितना लेवल है। वो एवरेज रहता है 3 महीने का एवरेज होता है, जो देखना जरूरी रहता है। नहीं करेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है शुगर लेवल कम या ज़्यादा होता है, फ्लैक्चुएट होता है बॉडी के अंदर, लेकिन ये एवरेज कराने के बाद अपने को एक आइडिया आता है कि एग्जैक्टली अपना कितना है। तो HbA1c के हिसाब से हम सामने वाले को गाइड कर सकते हैं कि आपका हेल्थ का कैसा है क्या नहीं है, आगे खाना पीना कैसा है, आपको रूटीनली कैसा रहना है, सब चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। चौथा होता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल इसलिए करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कम है ज़्यादा है, या आप पहले से अगर दवा ले रहे हैं तो उसको कम करना है दवा या और बढ़ाना है, जैसा रहेगा तो वो हिसाब से कर सकते हैं अपन। पांचवा नंबर है 2D इको, जो आपका हार्ट है, हार्ट का फंक्शन कैसा है, नॉर्मल है या कुछ उसमें चेंजेस है या कुछ और तकलीफ हो रहा है, तो वो चीज़ अगर देखना है तो 2D इको के थ्रू अपन हार्ट का फंक्शन देख सकते हैं। अगर आपका एज 30 साल से 50 साल है तो साल में एक बार करना चाहिए। 50 साल के ऊपर अगर जाता है तो आपको 6 महीने में एक बार करना चाहिए, मतलब साल में 2 बार करना चाहिए। CBC, LFT, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, ये आपका ब्लड टेस्ट होता है जो इजीली हो जाता है। पांचवा नंबर जो 2D को है, वो जैसे सोनोग्राफी करते हैं उसी तरह से हार्ट का सोनोग्राफी किया जाता है, तो उसके ऊपर आपको हार्ट का फंक्शन मालूम पड़ता है। खर्चा 2000 से 5000 लग सकता है, पर ये जो टेस्ट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है आप कितनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं अगर आप साल पे एक बार ये टेस्ट करवा लें? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। बारिश का मौसम शुरू हुआ नहीं कि आपके बाल झड़ना शुरू हो गए? डोंट वरी, डॉक्टर से जानते हैं मानसून में हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं। बारिश के मौसम में जितनी बार कंघी करो उतनी बार बालों का एक गुच्छा हाथों में आ जाता है। डर लगता है कि सिर पर बाल बचेंगे भी या नहीं, ज़्यादातर लोगों की यही कहानी है। मानसून आता ही हेयर फॉल बढ़ जाता है। आखिर बारिश के मौसम ही इतने बाल क्यों गिरते हैं और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों सवालों के जवाब हमें दिए डॉक्टर दीपाली भारद्वाज ने। डॉक्टर दीपाली बताती हैं कि इस मौसम में हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये नमी बालों का नेचुरल ऑयल एकदम ख़त्म कर देती है, इससे बालों की जड़ें सूखने लगती हैं और फिर हमारे बाल झड़ने लगते हैं। दूसरी वजह बरसात है। बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक होता है, जब ये पानी हमारे बालों पर पड़ता है तब स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन फैलने का रिस्क भी बढ़ जाता है, इससे डैंड्रफ हो जाता है और बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, नतीजा
बाल टूटने लगते हैं। देखिए, दिन में 50 से 100 बालों का टूटना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल टूट रहे हैं तो आपको किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं। बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार धोना ज़रूरी है, इससे स्कैल्प साफ रहता है, उसमें नमी या फिर गंदगी जमा नहीं होती। आप अपने बालों के टाइप के हिसाब से शैम्पू और कंडीशनर चुन सकते हैं। हालांकि कोशिश करें कि शैम्पू ऐसा हो जिसमें पैराबिन ना हो। पैराबिन का इस्तेमाल प्रोडक्ट को बैक्टीरिया और फंगस से बचाने के लिए किया जाता है। अब ये आपके बालों को रूखा बना सकता है। इसी तरह अपने शैम्पू में सल्फेट की मात्रा भी ज़रूर चेक करें। सल्फेट अगर ज़्यादा है तो फिर वो प्रोडक्ट इस्तेमाल मत करिए। अगर आप चाहें तो बालों को धोने से पहले अंडे की जर्दी सिर में लगा सकते हैं। अंडे की जर्दी यानी वो पीला वाला हिस्सा, इसे लगाने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और स्कैल्प मजबूत होता है। अंडे में लेसिथिन नाम का भी फैट पाया जाता है जो कि बालों को खूब नमी देता है। 1 कप दही में अंडे का पीला वाला हिस्सा मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर को अपने बालों और स्कैल्प पर आधे घंटे के लिए लगा लीजिए, फिर बाल धो लीजिए। आप अंडे के बजाय एलोवेरा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एलोवेरा जेल सीधे पौधे से निकला हुआ नहीं होना चाहिए। आप मार्केट से बालों के लिए एलोवेरा जेल खरीदिए और फिर उसे लगाइए। एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो इस मौसम में अपने बालों में तेल लगाने से बचिए। तेल नमी देता है, हेल्दी है, लेकिन साथ ही सिर पर गंदगी भी जमा होने देता है जिससे डैंड्रफ बढ़ता है। एक बात और, गीले बालों को तौलिए से बहुत रगड़ रगड़ कर मत सुखाइए, उन्हें नेचुरली सूखने दीजिए। बालों पर स्ट्रेटनर या फिर कलर का कम से कम इस्तेमाल करिए इस मौसम में। जब भी बारिश हो तो बारिश में भीगने से बचिए। अगर बाहर जाना ही है तो छाते या फिर रेनकोट का इस्तेमाल करिए। अगर फिर भी बाल बारिश में भीग जाते हैं तो घर आकर साफ पानी से बाल जरूर धोइए और कंडीशनर का इस्तेमाल करिए। डॉक्टर दीपाली का कहना है कि बारिश के सीजन में अपने बालों को रेगुलर ट्रिम जरूर करवाइए, यानी इन्हें छटवाते रहिए, इससे बालों का टूटना कम होगा। साथ ही अपनी डाइट भी सुधारिए। अपनी डाइट में प्रोटीन और विटामिन ए वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए। प्रोटीन के लिए आप अंडे, बीन्स, नट्स, मटर और मछली खा सकते हैं। वहीं विटामिन ए के लिए शकरकंद, पालक, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। पास्ता प्रेमियों खुश हो जाओ, हमने एक्सपर्ट से पूछा पास्ता को कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है। पास्ता सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। सही बताऊं तो आई जस्ट लव पास्ता, पर एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि हमारे देश में पास्ता को लोग जंक फूड मानते हैं, इसे खाने से मना किया जाता है ताकि वजन ना बढ़े, हेल्थ खराब ना हो। पर इटली वालों के लिए पास्ता ठीक वैसे ही है जैसे हमारे लिए रोटी और चावल। इटली में खूब पास्ता खाया जाता है, इसके बावजूद इटली के लोग बहुत हेल्दी माने जाते हैं। ना ही पास्ता खाकर उनका वजन बढ़ता है, ना ओबेसिटी होती है। अब ऐसा कैसे? कहीं हम पास्ता गलत तरीके से तो नहीं बना रहे या खा रहे? ये समझने के लिए हमने बात की डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता से। डाइटिशियन कौशिकी ने हमें बताया कि इटली में जो पास्ता होता है, जो खाया जाता है, वो एक खास तरह की गेहूं जिसे ड्यूरम कहते हैं, पानी और अंडे को मिलाकर बनाया जाता है। इन 3 चीज़ों से बनता है वो। लेकिन हम लोग जो पास्ता खाते हैं वो मैदे का बना हुआ होता है। 100 ग्राम मैदे में 76 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्ब्स हमें एनर्जी तो देते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है। उस पर पास्ते में फाइबर ना के बराबर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनमें सब्जियां एकदम नहीं डालते। फाइबर की कमी की वजह से पास्ता खाने के थोड़ी देर बाद ही हमें फिर से भूख लग जाती है और फिर हम ओवर ईटिंग करते हैं। पास्ता में ग्लूटेन भी होता है, ये एक तरह का प्रोटीन है। अब जो लोग ग्लूटेन सेंसिटिव हैं उन्हें पास्ता ठीक से पचता नहीं, नतीजा पेट खराब या कब्ज। असल बात यह है कि पास्ता में मौजूद कार्ब्स और कैलोरी ही इसे विलन बनाते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे साइड हीरो भी बना सकते हैं। डाइटिशियन कौशिकी ने बताया कि आप पास्ता को हेल्दी बना सकते हैं, यानी गेहूं के आटे से बना पास्ता या फिर चने को पीस कर बनाया गया पास्ता खा सकते हैं। ये टेस्टी तो होते ही हैं, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। जब भी पास्ता खाएं तो प्लेट भरकर ना खाएं, पास्ते की सीमित मात्रा खाएं, थोड़ा संयम से खाएं। 1 कटोरी पास्ता खाना काफी होगा, इसे ज्यादा मत खाइए। साथ ही पास्ता में बहुत हाई फैट, हाई कैलोरी, क्रीम और चीज जैसी चीजें डालने से बचिए। इसके बजाय आप हरी सब्जियां भर भर कर डालिए। जितना ज्यादा हरी सब्जियां पास्ता में होंगी उतना ही आपके लिए हेल्दी रहेगा। अगर आप हरी सब्जियां नहीं डालना चाहते हैं और नॉनवेज खाते हैं तो आप पास्ता में बॉइल्ड चिकन या फिर मछली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जब अगली बार आप पास्ता बनाएं तो इन टिप्स को जरूर ट्राई करिएगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।